नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संजय, न्यू टेरेस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे स्नेक प्लांट, और ये सब मैंने एक पत्ती से ग्रो किए हुए प्लांट है, सिंगल सिंगल पत्ती से। ये देखिए इस तरह से मैं पत्ती जब टूटती है या काट के फिर ऐसे लगा देता हूँ, तो इससे नए नए प्लांट निकल के आ जाते हैं। तो आज मैं आपको स्नेक प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा कि इसकी देखभाल हम कैसे करें, किस तरह रखें सर्दियों में, ताकि हमारे प्लांट मरे नहीं, ख़राब ना हो और एकदम ऐसे ही हेल्दी और हरे भरे बने रहे और नए नए प्लांट इसमें से निकलते रहे। तो उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी बात बताऊँ तो एक ये प्लांट ऐसा प्लांट है कि छोटे से छोटे गमले में चलने वाला प्लांट है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा के रखे हैं, छोटे छोटे जो चाय के कप आते हैं उनमें। तो बेस्ट ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है और ईजी टू ग्रोइंग प्लांट है। आप चाहे तो सिंगल पत्ती से भी इसको लगा सकते हो, कोई भी गमले में इसकी पत्ती काट के लगा दीजिए, एक दो महीने में इसमें से नए प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब बात आती है इसकी मिट्टी की, बात कि किस तरह आपने इसको लगाया है ताकि इसकी देखभाल करने में आसानी हो, कैसे मिट्टी होनी चाहिए सर्दियों में ताकि एकदम आसानी से आप इसकी देखभाल कर सको। जो मैंने जो मिट्टी बनाई है उसमें मैंने लगभग 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, 30% रिवर सैंड ली है और 20% मैंने इसमें राइस हस्क डाले थे और 10% खाद डाली थी, मैंने उस टाइम गोबर की खाद डाली थी। तो इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी तैयार की और प्लांट को मैंने लगाया। और देखिए ये एक एक प्लांट लगाया था और देखिए कितने प्लांट हो गए हैं, पॉप्स निकलने के। अब इतने पॉप्स इसमें से निकले हैं कि और नए प्लांट बनने की जगह भी नहीं रही, ये देखिए। तो इस तरह से आप इस प्लांट को लगाएंगे तो आपको पानी में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ज़्यादा पानी दे दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब आती है इसकी सन रिक्वायरमेंट की बात। है सर्दियों में आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ इसको कम से कम एक आध घंटे की, दो घंटे की सुबह की मॉर्निंग की धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसके क्या है, रूट्स गलेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी और आपका प्लांट ख़त्म नहीं होगा। सर्दियों में अगर आपने इंडोर रखा है इस प्लांट को तो आप एक काम कीजिएगा, हफ्ते में एक बार इसको 3-4 घंटे धूप में रख दीजिएगा, ताकि क्या है कि इसमें अच्छे से धूप लग जाए प्लांट और फिर एकदम हेल्दी हो जाए। क्योंकि ज़्यादा आप अंदर कमरे में रखोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे फिर इस प्लांट की रूट्स है वो गलने लगेगी, ख़राब होने लगेगी। हफ्ते में एक आध बार आप इसको बाहर निकाल लो और थोड़ी बाहर की हवा दिखा दो इसको और थोड़ा धूप में रख दो, तो इससे इसकी मिट्टी भी सूख जाएगी, मिट्टी में भी एयर सर्कुलेशन बना रहेगा, इसकी मिट्टी थोड़ी सूखेगी, थोड़ी गर्मी लगेगी तो इसमें जो फंगस होगी, बैक्टीरिया होगी वो खराब ख़त्म हो जाएंगे और आपके प्लांट को ख़राब नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप केयर कर सकते हो। अगर आपने आउटडोर रखा है तो आप इसमें 2-3 दिन में एक बार पानी दीजिए जब थोड़ी मिट्टी सूखी दिखे। इंडोर रखा है तो पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इंडोर में पानी जल्दी सूखता ही नहीं है। हफ्ते 10 दिन में एक बार आपको लगे सूखा हुआ तो पानी दीजिए, बाकी पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा पानी पड़ेगा इस टाइम सर्दियों में तो ये प्लांट आपका नीचे से गल जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसकी रूट्स रहती है, यहाँ से गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको ऐसी जगह पे प्लेस कीजिएगा जहाँ इसको एक आध 2 घंटे की सुबह मॉर्निंग की धूप मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो हफ्ते में एक आध बार आप इसको बाहर ला के रख दीजिए। और खाद की बात करूँ तो इस टाइम खाद नहीं दोगे इस प्लांट को तो भी ये प्लांट जल जाता है। अगर आप देना चाहो तो वर्मी कंपोस्ट थोड़ी आधी आधी मुट्ठी भर के सारे प्लांट में दे सकते हो। और मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ इनको मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप मिलती है अच्छे से। ये देखिए ये जो आगे प्लांट और रखे हैं और इसके पीछे ये रखे तो अच्छे से छन के धूप आती है तो प्लांट हमारे एकदम हेल्दी और हरे भरे बने रहते हैं। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।